गुरदासपुर के पिंड हेमराजपुर के उस समय दहशत का माहौल बन गया जदों जमीनी विवाद को लैके 10 के करीब व्यक्तियों ने दूजी धिर के व्यक्ति दिलबाग सिंह के घर के बाहर फायरिंग की उसके नाल गाली गलोच किया। मौके पर पहुँच के पुलिस अधिकारियों ने 5 खोल बरामद किए और बनती कार्रवाई शुरू कर दी। इस संबंधी जानकारी दिंदिया पीड़ित व्यक्ति दिलबाग सिंह ने दसिया कि उसने पिंड दविंदर सिंह नाम के व्यक्ति तो 29 कनाल जमीन 47 लाख रुपए खरीदी सी, पर दविंदर सिंह का वड्डा भरा कुलवंत सिंह उसनों जमीन पर कब्जा नहीं कर दे रहा। उसका कहना है कि यह जमीन उसका रकबा है जिसनों लैके उसका विवाद चल रहा है। पिंड के कुछ सियासी लोगों ने उस तो 2.5 लाख रुपए की मंग की, वह दोवां का समझौता करवा देंगे, पर वह नहीं मनिया, जिस करके कुलवंत सिंह ने उन्हां सियासी पार्टियां के वर्करां नूं नाल लिया के उसके घर 15 राउंड फायर किए। उसने कहा कि जदों रात उसके घर के उपर फायरिंग की गई वह घर नहीं सन, बच्चे अते पत्नी सिमरजीत कौर घर से जो डरते मारे बाहर नहीं निकले। हुण उसके वालों दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। भाई जी, मैं ना कल शाम को ना मेरी वाइफ दे मेरे बच्चे घर ही तो कोई रणजीत सिंह तो अमनदीप सिंह तो रमनदीप सिंह तो सुरिंदर सिंह सानू प्रीतम सिंह ये मेरे घर आ, इन्होंने गली दे विच ना गाला कढ़नियां चालू करती तो बाद इन्होंने फायरिंग चालू करती मेरे घर आण के। उदे विच मैं ना शहर ही गुरदासपुर मेरी वाइफ का फोन आया कि साढ़े गली दे विच ना गाला कढ़न डे आ फलाने फलाने बंदे, एक ओहदा ही ना दूजे का की ना ही है जिहड़ा मुंडा नहीं निर्मल सिंह उहदे बेटे का की ना है नरिंदर सिंह वह भी नाल ही उन्हें फैर कढ़ने चालू नवदीप सिंह उहदा ना ही वह भी नवदीप सिंह सानू निर्मल सिंह उन्हें गाला कढ़नियां चालू करतियां इन्होंने गली दे विच 15-16 बंदे ही जिहड़े अणपछाते ही जिन्हां ने नंगियां तलवारां फड़ी दियां दातर फड़े दे ही। तो मैनू फोन किया तो मैं मिंटो मिंटी मोटरसाइकिल फड़ के जिन्ना चिर मैं इत्थे आया उन्हें चिर वह गाला कढ़ के तो उन्हें चिर मैं 112 से भी कंप्लेन करती उतों गुरदासपुर ही तो उन्हें चिर पुलिस भी आ गई। तो उन्होंने घट तो घट 5 सिक्के मिले आ जिहड़े कि 4 जिहड़े मैं पुलिस सपुरद करते हैं तो 1 आ हुण मैनूं मिलिया आ तो इन्हें 14-15 फायर किए आ मेरे हिसाब से 10-12-14 किए आ मैनूं इन्हां ने। पैली का मेरा मसला मैं पैली खरीदी इत्थे जी तो वह पैली का मसला ही मैनू इन्हों का मेरा कोई मसला नहीं जिन्होंने मेरे घर आके गोली चलाई है। क्यों चलाई फिर? ये आम आदमी पार्टी के वर्कर है जी तो ये मेरे को ना हर वेले पैसे की मांग करते रहेंगे पैसे की मांग करते रहेंगे कि अं जो पैली तेरी का मसला है अं तेरा नबेड़ दें सू 2.5 लाख रुपया दे दे। मैं कहना कि प्रशासन को करना कि आम आदमी पार्टी बनाई है लोगों का भला करने वास्ते, तो मैं कहना कि सू इंसाफ मिलना चाहिए जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उन्हें की जाए, मैनू इंसाफ की मांग है। जो घर से साडा बच्चा शो 13 साल का बच्चा साडा उन्हें कहा मम्मा बाहर ना फायरिंग होन दी है, मैं यकीन नहीं किया मैं बच्चा शायद कोई विआह पटाके पटूकों की आवाज है इस करके बच्चा ना मैं सतान दे अंदर जाकर। मैं फिर कहना नहीं मम्मा मैं कोठे चढ़ के देखना दौड़ के चल गया कोठे से साढ़े नुक्कर तो सामने दिखता इतों तो कहते मम्मा पापा की गाला लैके ना बहुत गाली गलोच कर दे गंदियां नंगियां गाला का नाच हो मम्मा मैं नहीं उस गल मैं तुम्हें नहीं दस सकता। मैं ठीक है वो उपर चल गए तो मैं भी पेटे के मगरे चल गई हाँ तो जो मैं देखा तो काफ़ी जने ही बंदे मतलब जिन्हें हाथों में हथियार ही तो दो जने ही जिन्हें दूसरे हथियार फड़े दे रिवोल्वर फड़े दे उन्होंने और रोमी जिन्हों रोमी अमनदीप तो सोनू संदीप कितनी फायरिंग की गई? पहला तो जो बेटे मेरे सूदी वो तो 3 फायर किए थे उन्होंने तो उस तो बाद करते गए फायरिंग हूँ जो अपने इंसान का दिमाग जो शार्ट हो जाता पता थोड़ा लगता हूँ कि फायरिंग थोड़ी गिन दे रही उस वक्त सानू तो अपनी जान दी पई है सानू मारना आ गए सानू नंगियां धमकियां देन दे रही पे ही मार देना तुम घरों बाहर नहीं निकल सकते मतलब जिथे मर्जी मतलब तुम अपना जोर भी मार देना है की मंग करते हो? अं मंग करने भी जे इंसान वास्ते सरकार को जे हिफाजत हैगी सानू दे देना जे नहीं हैगी तो साढ़े उन्होंने अड़ी हाथ जोड़ के बेनती है इंसाफ की मंग आ। बाकी जो आई सी पुलिस वो सानू कहते कि सानू उन्होंने शिकी होंगे ने सू लभ के दो खोल जो लभ के दो फिर असं करा कुछ अगे कार्रवाई साढ़े मरन पई दी तो वह कहते सू खोल लभ के दो अं उ खोल लभन लगे उतरों भाई दूजे पास आए होर गोली मार जाएंगे पुलिस ने कहा खोल लभ के दो। हाँ जी खोल लभ के दो कि जो खोल नहीं लभे उल्टा ताे बीबी परचा होना है दिलबाग सिंह नामक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसके घर के उपर कुछ व्यक्तियों वालों फायरिंग की गई है और मामले की जांच की जा रही है। कंप्लेंट आई थी हमराजपुर गोली चली है
ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਗਈ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਖੋਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਖੋਲ ਲੱਭੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ FIR ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੈਗੁਏਜ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 40-50 ਫੁੱਟ ਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੈਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਫਸਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਈ ਰੋਜ਼ਨਾਮ 'ਚ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੌਣ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਾੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਲਿਖਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? 32 ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੁੱਦਲੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁੰਦਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।